दोस्तों सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जा रहा है और प्रथम चरण में 60,000 अतिथि शिक्षक नियमित किए जाएंगे। क्या है सही खबर? दोस्तों अंत तक बने रहना इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि काफी लोग परेशान हैं, काफी लोग संशय में हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एकेडमी में। हम देते हैं ऑथेंटिक और सही जानकारी, तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। और अगर अभी तक आपने एमपी परीक्षा ऐप की तैयारी एमपी परीक्षा ऐप डाउनलोड नहीं किया है और आप तैयारी करना चाहते हैं शिक्षक वर्ग एक वर्ग दो की, परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको 1 महीने का समय और मिल गया है। तो शिक्षक वर्ग एक वर्ग दो के लिए कुछ नए सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करे हैं, कॉमर्स है, इंग्लिश है, नया इंट्रोड्यूस किया है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। शिक्षक वर्ग एक वर्ग दो के लिए कूपन कोड है DDT PEB50, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। इस कूपन कोड का यूज करें और 200 टेस्ट, 230 रुपए की टेस्ट सीरीज मात्र 115 रुपए में आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों ने एक वीडियो बनाया है, कई लोगों ने व्हाट्सएप पर भी किया है, हमको एक कॉल्स भी आना शुरू हो गया सुबह से। मुझे इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है कि 60,000 अधिक शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, वो भी उसकी प्रक्रिया चालू हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सरासर फेक न्यूज है। 52,000 अतिथि शिक्षकों के लिए कार्यवाही हो चुकी है पहले, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। 60,000 अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करना है, ना कि उनको परमानेंट करना है, क्योंकि आगामी सत्र में परीक्षा आने वाली है, 2019 में परीक्षा आएगी 10-12 दोनों के लिए। तो काफी सारे शिक्षकों की कमी पड़ रही है, इसके लिए शिक्षकों को नियमित ना कर अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा रहा है, बल्कि 60,000 अतिथि शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है, यानी कि उनकी भर्ती चालू कर दी गई है। तो क्योंकि ऑलरेडी पहले अधीक्षक थे शालाओं में, फिर भी कमी के चलते डायरेक्ट भर्ती अभी चालू हुई है, उसके लिए मैंने एक वीडियो और बनाया है। अगर आप चाहे तो हमारे साथ बने रहे, आपको शाम तक वो वीडियो आ जाएगा कि जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो नए लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या प्रोसेस रहेगी अगर कोई गलत प्रॉब्लम आती है। तो हमारे साथ जुड़े रहे, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है, हम आपके लिए सही सही सलाह देते रहेंगे। तो दोस्तों ये प्लीज ये वीडियो शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं कि यह 60,000 परमानेंट भर्ती नहीं है, नियमितकरण नहीं किया जा रहा है, मात्र अभी अतिथि शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है, उनका नियमितकरण नहीं किया जा रहा है। प्लीज शेयर कर दें, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बना रहे हमारे साथ। 5 लाख सब्सक्राइब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम देते हैं ऑथेंटिक और सही जानकारी। सरकारी नौकरी की तैयारी और शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले हमारा लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।